रजिस्ट्रेशन के लिए पेनल्टीज लगाएंगे हम यूटिलिटीज, ये जो पानी बिजली गैस वगैरह है ये इनको नहीं मिलेगी जो लोग फाइलर नहीं है। डिजिटल स्कैनर्स लगाएंगे पेट्रोल पंपों के ऊपर, हम जीआईएस बेस्ड मॉनिटरिंग शुरू कर देंगे। ये जो एफबीआर के ऑफिशियल्स जो हैं जिनका नंबर बढ़ाया जाने की है, जब तक उनका इंटरफेस कम नहीं किया जाएगा टैक्स पेयर से उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। आईएमएफ का प्रोग्राम बहुत बड़ी डेवलपमेंट है हारून भाई, इस लिहाज से कि एक तो पाकिस्तान शुक्र है डिफॉल्ट से बचा है। सो आईएमएफ ने तो कहा है जी बहुत ठीक है जी, सब कुछ ठीक जा रहा है, ये हमें डेमोक्रेसी ये आपका इंटरनल मामला है, बस आपस में आप बातचीत करें। फर्क इतना है कि इस बार गवर्नमेंट के ऊपर शायद प्रेशर भी ज्यादा है। हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह के लीडर को इसराइल ने जो है वो मार दिया, 2 लाख से जायद लोग बेघर, 700-800 लोग हलाक हो चुके हैं, आम सिविलियंस, और वो जैसे ही प्राइम मिनिस्टरशिप से निकलता है तो वो सीधा जेल में जाएगा। सो नेतन्याहू के लिए हर तरह से ये जरूरी है कि वो पावर में रहे। मतलब इन्होंने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं इसराइल को वो खुली छुट्टी दी हुई है कि आप जो मर्जी कर लो। अमेरिका थ्रू इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है एंड थ्रू यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है कि रशिया को कॉर्नर कर दे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की ताज़ा एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके सामने मौजूद हैं, और आज भी हम मईशत और पब्लिक पॉलिसी और कुछ आलमी अमूर के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, और हारून ख्वाजा साहब से ज़रा बातचीत करेंगे पाकिस्तान में जो नई तब्दीलियां आ रही हैं और खुसूसन जो आईएमएफ का प्रोग्राम फाइनली बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है खुदा खुदा करके, काफी ताखीर भी हुई लेकिन वो प्रोग्राम के ऊपर जरा बात करेंगे कि आईएमएफ ने कहा क्या है अपने ऐलानिये में और क्या कंडीशंस लगाई हैं। और जाहिर बात है आईएमएफ से की शराइत से मुंसलिक जो है पाकिस्तान में टैक्स की जो महसूलात हैं उनको जमा करने में उसके लिए बात की जा रही है कि एफबीआर जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसमें कोई इस्लाहात लाई जा रही हैं, वो क्या इस्लाहात हैं, उसके एक नए सरबराह भी आ चुके हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे क्या वो सही डायरेक्शन में डिलीवर कर सकती हैं या नहीं इस्लाहात। और फाइनली ये जो मशरक वस्ता में सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती जा रही है इसके ऊपर भी बात होगी। जी तो वेलकम बैक हारून भाई, एंड स्टार्ट करते हैं एफबीआर से। आज ये एफबीआर के नए चेयरमैन भी आए हैं और काफी इस्लाहात का कुछ ऐलान भी किया गया है, कुछ इन स्टोर हैं, आपने उनको अगर मुतालिया किया उनका तो जरा ये बताएं कि वो किस हद तक डिलीवर कर सकती हैं और अगर नहीं कर सकती तो क्या करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रजा, ये प्लान एफबीआर का एक 9 सितंबर को प्रेजेंट हुआ था प्राइम मिनिस्टर के सामने, और 106 पेज की प्रेजेंटेशन है, मैंने बड़ी डिटेल में इसको पढ़ा है, और उसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ पहले कि क्या 6-8 चीजें वो क्या करना चाह रहे हैं एंड फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे देता हूँ। बेसिकली वो ये कह रहे हैं जी कि एफबीआर का बजट इंक्रीज करें और उसकी वर्कफोर्स इंक्रीज करें, क्योंकि जब हम दूसरे ममालिक के साथ कंपेयर करते हैं उनकी पॉपुलेशन वगैरह देखते हैं तो उसके मुकाबले में एफबीआर की जो वर्कफोर्स और बजट है वो बहुत कम है। राइट, सो टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक सॉल्यूशन के जी बजट बढ़ाएं और बंदे बढ़ाएं, बंदे लगाएं। दूसरा उन्होंने कहा है जी कि टॉप 5% के ऊपर फोकस करें, यानी कि जो टैक्स दे रहे हैं उनको और निचोड़ें। फिर वो कह रहे हैं जी कि कैश सर्कुलेशन बड़ी हाई है पाकिस्तान के अंदर, भाईजान कैश सर्कुलेशन हाई है, वो क्यों हाई है, इसलिए हाई है कि आप लोगों की जो है इस डिपार्टमेंट की रेंट सीकिंग और हरासमेंट से तंग आके लोग जो है वो डिक्लेरेशन नहीं करते, वो कैश के अंदर कारोबार करते हैं और अपनी डीलिंग्स करते हैं, इसके बारे में नहीं लिखा कि क्यों कैश हाई है। बहरहाल रिफॉर्म्स उन्होंने जो सजेस्ट किए हैं वो कह रहे हैं जी डिजिटाइजेशन पे फोकस होगा, कुछ पॉलिसी चेंजेस आएंगी और इम्प्लीमेंटेशन की तरफ इंटरवेंशन, ये तीन उनका है। एंड ऑफकोर्स उन्होंने अपना वो भी दिया है बड़ी इंटरेस्टिंग, मैंने पहले भी इसके ऊपर हमने प्रोग्राम किया है कि 18,000 से तो ज्यादा स्टाफ है, उसमें 1,000 अफसर हैं, 1,000 ऑडिटर्स हैं, 2,000 इंस्पेक्टर्स हैं, बाकी सारा 14,000 लोअर स्टाफ है। अच्छा जी, अब वो IRS अलग है, कस्टम्स अलग है। IRS में वो ये कह रहे हैं जी तीन चीजों पर फोकस करना है, रजिस्ट्रेशन कराएंगे,
फेक इनवॉइसेस जो है उनको हम टैकल करेंगे और ऑडिट एंड लिटिगेशन के ऊपर फोकस करेंगे। क्या करेंगे जी, रजिस्ट्रेशन के लिए पेनल्टीज लगाएंगे हम यूटिलिटीज, ये जो पानी बिजली गैस वगैरह है ये इनको नहीं मिलेगी जो लोग फाइलर नहीं है, जो टैक्स नहीं देते, और इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करेंगे, इनको हम गाड़ियां नहीं लेने देंगे, प्रॉपर्टीज स्टॉक्स वगैरह ये कुछ नहीं ले सकेंगे, यू नो इस टाइप की चीजें, और जो कि अच्छी चीज है होना चाहिए। अब ये देखते हैं कि वो किस तरह से ये इनकी जो टेक्नोलॉजी है उसको ये किस तरह यूज करेंगे देखने के लिए कि भाई अगर किसी का यू नो 10-20 करोड़ का घर है और वो 3-4 करोड़ की गाड़ी चला रहा है तो वो कोई टैक्स नहीं दे रहा है या बहुत कम टैक्स दे रहा है, ये सारा इसके लिए बड़ा हाईटेक किस्म का आपको सिस्टम चाहिए। सिस्टम उधर है लेकिन उसको ये कैसे यूज करेंगे, दैट्स द क्वेश्चन। उसके बाद जाहिर है ये भी देखने को है कि लोग कोर्ट्स में चले जाते हैं, स्टे ऑर्डर्स ले आते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, प्रेशर डलवाते हैं, लेट्स सी हाउ इट विल फेयर। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जी मॉडल टैक्स ऑफिस का, और कह रहे हैं कि जी मॉडल टैक्स ऑफिस ऐसे होगा और 2028 तक सारे ऐसे हो जाएंगे। कैसे हो गया जी, उसके अंदर ही बड़े हाई इंटेग्रिटी के अफसर आएंगे, यानी कि वो मान रहे हैं कि हाई इंटेग्रिटी के अफसर जो हैं वो या है नहीं या बहुत कम है, और हाई इंटेग्रिटी वालों को मॉडल टैक्स ऑफिस में भेज दिया जाएगा। फिर कह रहे हैं जी कि हम इंसेंटिव शुरू कर देंगे जो कि 60% बेस्ड होगा इंटेग्रिटी के ऊपर, 40% क्वालिटी ऑफ वर्क। भाई इंटेग्रिटी का मतलब क्या है, कौन जज करेगा इंटेग्रिटी को, क्वालिटी ऑफ वर्क कौन देखेगा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बड़ी रिगरस तरीके से होगी, टैक्स पेयर्स को हम फैसिलिटेट करना शुरू कर देंगे। अच्छा तो अभी 75 साल में तो आपने फैसिलिटेट किया नहीं है, अब आप कौन सी को मतलब है कि ऐसी चीज कर लेंगे। अच्छा एक आप इंटरेस्टिंग बात मैं आपको, आपने सुना मॉडल पुलिस स्टेशन का कॉन्सेप्ट सुना है आपने, तो मुझे बताएं कितना का थाना कल्चर चेंज हो गया। तो पॉइंट इज के भाई आप मॉडल टैक्स ऑफिस बना रहे हैं, इस तरह से अगर आप एक बिल्डिंग बना के ऊपर मॉडल टैक्स ऑफिस लगे, इस तरह से चीजें चेंज हो जाए तो फिर मेरे ख्याल से फिर तो ये यूनिवर्सिटीज बंद करनी कर देनी चाहिए, इकोनॉमिस्ट ये सोशियोलॉजिस्ट ये सारे जो थिंकर हैं पीएचडीज हैं इनको छोड़ें और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये करना शुरू हो जाए। फाइनली इनकम टैक्स साइड पे कह रहे हैं जी 3,200 के करीब केसेस पेंडिंग है और 2 ट्रिलियन रुपीज के हैं केसेस, ठीक है जी। वो कह रहे हैं जी कि 77% ऑफ द केसेस जो है वो FBI ने फाइल किए हुए जी, और कह रहे हम क्वालिटी के लॉयर्स हायर करेंगे, इसमें से जो है हम जो अभी 20-30% जो है ना वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे, तो मतलब ये इनका प्लान है जी इन नटशेल। इसी तरह कस्टम्स के ऊपर उन्होंने कहा जी हम स्मगलिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड, अंडर इनवॉइसिंग, मिस डिक्लेरेशन इसको करेंगे, डिजिटल स्कैनर्स लगाएंगे, पेट्रोल पंपों के ऊपर हम GIS बेस्ड मॉनिटरिंग शुरू कर देंगे, डेटा इंटीग्रेशन करेंगे। हाँ डोंट फॉरगेट इंसेंटिव्स देंगे, 50% जो है वो टाइम कितना लगता है असेसमेंट में उसके ऊपर बेस होगा, 50% क्वालिटी ऑफ असेसमेंट। तो इन अ नटशेल इट्स अ प्लान मेड बाय ब्यूरोक्रेट्स फॉर द ब्यूरोक्रेट्स एंड आई डोंट विल सी व्हाट हैपेंस। एक मैं बात बताऊं, सॉरी तो मैं कंप्लीट करूं। देखिए आज से बहुत साल 3 decades पहले वो हम सोशियोलॉजी पढ़ते थे तो उसमें एक सब्जेक्ट होता था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वो बताते थे कि आप ये जो मैसिव ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको उनके अंदर चेंज लाना जो है वो एक साइंस है। मतलब आप प्रेजेंटेशन बना के ना वो नहीं ला सकते। अब मैं उसमें मुझे अभी तक याद है मैट्सुशीटा जापान की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें वो बता रहे थे कि किस तरह से वो उनका एक नया चेयरमैन आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसने किस तरह से, यानी कि उसमें यहां तक था कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके अंदर उन्होंने रजा अपनी ऑर्गेनाइजेशनल का एक नेशनल एंथम बनाया और रोज सुबह वो जो एम्प्लॉयज आते थे वो पहले 15 मिनट उनकी असेंबली होती थी और वो ये उस जमाने की बात में कर रहा हूँ कि वो अपना नेशनल एंथम गाते थे ताकि उनकी कनेक्शन फॉर्म हो ऑर्गेनाइजेशन, एक लॉयल्टी फॉर्म हो। मतलब इट्स अ सब्जेक्ट। मुझे बताएं ये जो आपको मैं बातें बता रहा हूँ ये जो 106 पेज की प्रेजेंटेशन थी इसके अंदर कितने सोशियोलॉजिस्ट, कितने PhDs, कितने इकोनॉमिस्ट इन्वॉल्व हुए, मेरा नहीं ख्याल किसी पढ़े लिखे बंदे ने इसको देखा। जी बिल्कुल, वो देखें बात यह कि ये तो प्लान्स बनते हैं मगर असल मसला ये है कि जब तक एक ये जो FBR के ऑफिशियल्स जो हैं जिनका नंबर बढ़ाया जाने की है जब तक उनका इंटरफेस कम नहीं किया जाएगा टैक्स पेयर से,
اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ طریقہ کار جو ہے جہاں پہ آپ انسپیکٹرز کو اور ہر طرح کے امپلائیز کو اور افسران کو چھوڑ دیتے ہیں ٹیکس پیئرز کے پیچھے, اور وہاں پہ پھر وہ یہ سلسلہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ رشوت بازی اور کرپشن جو ہے ایف بی آر میں, اس کی بنیادی وجہ یہ انٹرفیس ہے. اور یہ سسٹمز کی بھی ایک مسئلہ ہے ایف بی آر کی, یہ اپ گریڈ کرتے رہے, آٹومیٹ کرتے رہے. آپ کو پتا ہے وہ ایک ورلڈ بینک کا ٹیکس ریفارم پروجیکٹ کو پتا نہیں 20 سال سے, یقیناً میں مذاق نہیں کر رہا, $2.2 billion خرچ ہو چکے ہیں جی. اور اس میں بارہا یہی وہ بات کرتے ہیں, لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ آدھی چیز کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں, پھر ایک نیا پروگرام آ جاتا ہے, پھر اور اس کی مطلب وہ اچھا پروگرام ہے بائی دی وے اگر تھیوریٹیکلی دیکھا جائے تو, لیکن انہوں نے اس کو بالکل فیل کر دیا. وجی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ اس میں انہوں نے پریزنٹیشن میں یہ مانا ہے کہ یہ سارے پروگرامز ہوئے ہیں اور سارے فیل ہو گئے. جو میں کہنا چاہ رہا تھا رضا, بیسکلی ایز یو نو ہمارا پوائنٹ آف ویو, میں اور ڈاکٹر اکرام الحق اس کے اوپر ایک سال تقریباً ہو گیا, ہم نے کمپلیٹ کر لیا اپنا. ہم نہیں سمجھتے کہ اس, اچھا انہوں نے پلانز بہتر ہیں اچھی ڈائریکشن میں, لیکن یہ آرگنائزیشن نہیں ان کو کر سکتی. ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک برانڈ نیو آرگنائزیشن نیشنل ٹیکس اتھارٹی جو ہے اس کو فارم کرنا پڑے گا. اس میں ہمارے بڑے سے اور پروپوزلز بھی ہیں اور اس میں یہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں, لیکن یہ آرگنائزیشن نہیں کر سکتی, آپ کو نئی بنانی پڑے گی. جی بالکل نئی بنانی پڑے گی. اور وہی بات ہے کہ ری ویمپنگ کا بھی جو ہے نا, سن کر کان پک چکے ہیں, ری ویمپنگ ہوتی نہیں ہے. وہ کوشش بڑی کرتے چلی ہے, ہوپ فلی اللہ ان کو کامیاب کرے. اچھا یہ بڑھتے ہیں آگے, یہ آئی ایم ایف کا پروگرام بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ہارون بھائی, اس لحاظ سے کہ ایک تو پاکستان شکر ہے ڈیفالٹ سے بچا ہے, جو کہ پہلے بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی پاکستان میں کہ جی یہ نہ ملے, ناٹ بیکاز آف اینی اکنامک سینس یا ملک کی بہتری کے لیے, بٹ آؤٹ آف اسپائٹ فار دا کرنٹ ہائبریڈ ریجیم. وہ کہتے تھے کہ جی یہ اگر ڈیفالٹ کرے گا تو پھر یہ جو ہے وزیر اعظم بھی غائب ہو جائے گا, اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو بہرحال یہ تو بیوقوفی والی باتیں ہیں. یہ بتائیے کہ اس آئی ایم ایف کے پروگرام کی, جو آپ نے تو پہلے بھی ہم نے اس کو بات کی تھی اور آپ تو کافی کانفیڈنٹ تھے کہ یہ ہو جائے گا, اس وقت بھی بڑی اسپیکولیشن تھی کہ نہیں ہو رہا, جی یہ ہو رہا وہ ہو رہا ہے, تو اس آئی ایم ایف کے پروگرام کو کیسے آپ دیکھتے ہیں, اس کی خصوصاً جو اس کا اسٹرکچر ہے یا اس کی جو اہم کنڈیشنز منسلک کی گئی ہیں ود دی ریلیز آف فنڈز ٹو پاکستان, تو اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیے اور پھر اس کے بعد ذرا بات کرتے ہیں اگلے اسٹیپس کیا ہو سکتے ہیں. اس پہ 25 September 2024 کو اسٹیٹمنٹ آئی ایم ایف کی طرف سے ایشو ہوئی ہے, اور وہ آپ جا کے آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ anyone can go and download, وہ میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ 37 months کا ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی ہے اور ایس ڈی آر اسپیشل ڈرائنگ رائٹس 5,320 million 5.32 billion اسپیشل ڈرائنگ رائٹس پاکستان کو اپروو کیے ہیں, جو کہ 262% ہے پاکستان کا کوٹا جو آئی ایم ایف میں ہے, اس کا 262% جو ہے وہ, اور یہ ان ڈالر ٹرمز تقریباً $7 billion بنتا ہے. 760 million اسپیشل ڈرائنگ رائٹس جو ہیں وہ آلریڈی ڈسبرس ہو چکے ہیں کل, ایز آف یسٹرڈے یہ تقریباً 1.0292 billion پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں ٹرانسفر ہوئے ہیں آفٹر ڈیڈکٹنگ چارجز, میرے خیال سے $7.1 billion کے چارجز وغیرہ ڈیڈکٹ کرنے کے بعد یہ اماؤنٹ آئی ہے. آئی ایم ایف کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بیسکلی کہہ رہے ہیں جی کہ جی ڈی پی ریباؤنڈ ہو گیا ہے 2.4% کے اوپر آ گیا ہے بائی دا سپورٹ آف مینلی ایگریکلچر. انفلیشن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیچے گئی ہے, سنگل ڈیجٹس میں گئی ہے. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی کہ اس حکومت نے ٹائٹ فسکل اینڈ مانیٹری پالیسیز رکھی ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی دے سے فسکل پالیسی ٹائٹ ہے, پر مانیٹری پالیسی یس ٹوٹلی اگریڈ. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹینڈ ہے, بالکل صحیح, ہم نے اس پہ بہت بات کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کام فورن ایکسچینج مارکیٹ ہے, یہ ہم نے بھی بات کی ہے کہ روپیہ اسٹیبل رہے, اور ری بلڈنگ آف ریزرو جو ہے اس میں اس سے مدد ملی ہے. پالیسی ریٹ 4.5% کم ہوا ہے, انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ نیچے آئے ہیں, اور یہ سارا کچھ انہوں نے تعریف کی ہے گورنمنٹ کی. اس کے آگے آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انویسٹمنٹ کی شدید ضرورت ہے, لیکن اس کے اندر روڈ بلاکس ہیں. انویسٹمنٹ کے اندر کون سے ہیں جی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بزنس انوائرمنٹ بہت ڈیفیکلٹ ہے, گورننس بہت ویک ہے,
और गवर्नमेंट हुकूमत का स्टेट का बहुत ज्यादा रोल है इकोनॉमी के अंदर, जिसको इन सारी चीजों को कम करने की जरूरत है। और टैक्स बेस वो कह रहे हैं जी कि बहुत छोटी है, जो लोग टैक्स देते हैं बहुत कम है, और यू नो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड एजुकेशन हेल्थ वगैरह उसके अंदर स्पेंडिंग बहुत कम है क्योंकि गवर्नमेंट पैसे नहीं इतने इकट्ठे कर सकती जितने उसे करने चाहिए। वो कह रहे हैं जी आपको टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की जरूरत है, आपको कॉम्पिटिशन प्रोडक्टिविटी और कंपेटिटिवनेस, बार बार हम लोग इसकी बात करते हैं कि ये अपनी इकोनॉमी के अंदर लेकर आने की जरूरत है अगर आपने इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है। फर्दर वो कह रहे हैं जी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं वो उनको रिफॉर्म करें, अभी तक तो 0/0 है गवर्नमेंट का इस मामले में, तो बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं है। फिर कह रहे हैं एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म करें, अभी तक तो कोई चीज बाहर नहीं आई लेकिन मैंने सुना है उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। आपको याद है मैं तो अक्सर कहता हूँ मोहम्मद अली साहब जो है वो यू नो ही इज डन अ गुड जॉब, उनको वो ले आए हैं गवर्नमेंट वाले, सो आई थिंक ही इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट और समथिंग, ही इज आल्सो वर्किंग ऑन इट। तो वी आर कीनली अवेटिंग के जी क्या होता है इस बारे में, एंड बिल्ड क्लाइमेट रिजिलियंसी, उन्होंने 2-3 दफा उस पूरे डॉक्यूमेंट में इसका जिक्र किया कि क्लाइमेट रिजिलियंस जो है उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है ताकि ये जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं इससे आप जो है निपट सकें बेहतर तरीके से। लेकिन जाहिर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तब तक नहीं हो सकते जब तक आप टैक्स इकट्ठा ना करें और जब तक आप अपनी गवर्नेंस ठीक ना करें और ये करप्शन वगैरह रिलेटेड चीजें इनके ऊपर भी कंट्रोल ना करें। फिर अगेन फिस्कल कंसोलिडेशन, रिमेंबर आई केप्ट टेलिंग यू ये बार बार वर्ड फ्लैश करेगा, फिस्कल कंसोलिडेशन जो है वो उसका मतलब क्या है जी कि आप अपने कर्जे कम करें, किस तरह कम करें, अपनी रेवेन्यू को इंक्रीज करें, अपने एक्सपेंसेस को कम करें। तो अब देखते हैं ये FBR का जो अभी हमने डिस्कस किया कितना रेवेन्यू इंक्रीज होता है, खर्चे कम करना में तो ये गवर्नमेंट को खास स्पेशलाइज नहीं करती, हमने उसके बारे में भी बार बार बात की है। ब्रॉडन टैक्स बेस में वो कहते हैं जी इंडस्ट्रियलिस्ट को और टैक्स लगाएं, डेवलपर्स जो हैं ये कंस्ट्रक्शन वगैरह इनको टैक्स लगाएं और लार्ज एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर टैक्स लगाएं, एंड बाकी कहते हैं इम्प्रूव टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस। आई बिलीव ये जो 106 पेज की आई है FBR की प्रेजेंटेशन ये इसी सिलसिले की कड़ी होगी। फाइनली रजा वो कहते हैं जी एम्फसाइज द नीड फॉर IMF एम्फसाइज द नीड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन टू बिल्ड ब्रॉड कंसेंसस एंड सपोर्ट फॉर रिफॉर्म्स। सो IMF ने तो कहा जी वो ठीक है जी सब कुछ ठीक जा रहा है, ये हमें डेमोक्रेसी ये आपका इंटरनल मामला है, बस आपस में आप बातचीत करें और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें और आपस में जो है वो मामला ठीक करें। ये मतलब एक चलते चलते उन्होंने एक फिक्रा ये कर दिया जी। नहीं लेकिन ये देखिए बातें तो उन्होंने बड़ी मैं ये भी कहना चाहता हूँ 25वां प्रोग्राम है जारी बात है, और ये वाली जो कंडीशन होती है ना पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन को ठीक करना, आप देखिए पता नहीं पिछले 3-4 प्रोग्राम्स में ये जो IMF के प्रोग्राम्स हमारे नहीं, हम भी वैसे वही बातें करते हैं कि क्या पाकिस्तान में वो बार बार हमें जो है ना हालात वही उसी पटरी पे ले आते हैं हर साल के बाद। तो ये IMF के प्रोग्राम में भी वही बात है कि ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की भी पहले बात हुई है, पहले एग्रीकल्चर टैक्स की भी बात हुई है, फर्क इतना है कि इस बार गवर्नमेंट के ऊपर शायद प्रेशर भी ज्यादा है और सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है और फॉरेन एक्सचेंज वो भी बहुत कम है। तो इसलिए मैं आप क्या समझते हैं कि हारून भाई ये कितनी सीरियसली इनको इम्प्लीमेंट करेंगे? माजी में तो दे कुड गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, अमरीका की आशीर्वाद भी होती थी तो वो IMF को कह देता था कि जी कर दो कोई बात नहीं, कुछ वेवर दे दो, कोई यू नो लीनियंट व्यू ले लो। इस बार तो IMF ने भी खूब छान फटक के ये प्रोग्राम दिया है, जितनी स्क्रूटिनी उन्होंने पिछले प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम में की है मेरे ख्याल से अनप्रेसिडेंटेड है। सो आप क्या समझते हैं, आर यू होपफुल? आई मीन दैट्स माय क्वेश्चन एक्चुअली, कि आप कितने पूरी उम्मीद हैं कि इनमें से चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकेंगी इन कंडीशंस के हवाले से? इट डिपेंड्स आप किस लेंस से देखते हैं। जो पाकिस्तान, लेट मी एक्सप्लेन टू यू, मैं थोड़ा सा ना इसको जूम आउट करते हैं ताकि हमारे जो व्यूअर्स उनको समझ आए। देखिए पाकिस्तान एक ऐसी ट्रेन है जो चलती है 40 मील फी घंटा के की रफ्तार से, लेकिन वो ट्रेन जो है उसका इंजन जो है वो 200 मील पे चल सकता है। सो अब अगर तो आप उनमें से हैं जो लेंस जिनको पता है इसकी पोटेंशियल 200 मील की है, तो आप तो कहेंगे यार ये तो इससे तो कुछ नहीं होना,
इन द मीन टाइम जो कुछ पाकिस्तान में होता रहता है उसकी वजह से वो 20 पे आ जाए, 20 मील पे चलने लगती है। तो जो 40 के लेंथ से देखते हैं वो बड़े खुश होंगे कि जी ये 20 से 40 पे चली जाएगी, ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स विच लेंस यू लुक फ्रॉम इट, फ्रॉम विच पर्सपेक्टिव। मैं समझता हूँ ये जैसे आपने कहा कि यू नो आप पिछले प्रोग्राम जी उठा के देख लें तकरीबन वही सारी चीजें हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं जो वो NFC का भी कह रहे हैं उसको करें। मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर टैक्स भी इकट्ठा कर लेगी थोड़ा बहुत इधर उधर से लेके, NFC में वो यू नो अगर सब कुछ पूरा हो रहा है तो NFC को कहेंगे अच्छा जी हम काम कर रहे हैं, हमारे फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, इट्स नॉट लाइक यू नो इट्स यू हैव टू हैव अ यू नो रन एज अ फेडरेशन, सबको इकट्ठा करना है, वो टाइम बाय कर लेंगे, मतलब वो हैंडल कर लेंगे एज लॉन्ग एज ये इसको वापस 40 पे ले आए सब कुछ ठीक रहेगा, राइट। सो उस लेंस उस लिहाज से आप देखें तो मैं समझता हूँ कि ये अचीव हो जाएगा सारा कुछ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हमारे जैसे जो है ना वो फॉरएवर ऑप्टिमिस्ट लोग जो कि कहते हैं कि भाई इसको इसकी पोटेंशियल पे चलाओ, वो नहीं होता रजा। क्वेश्चन इज वो क्यों नहीं होता? अब IMF वाले भी रिमेंबर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो एक चीज को अपने एंगल से देखते हुए कहते हैं ठीक है ये पिछली इसकी हिस्ट्री है उसको सामने रखते हुए, और फिर वो रीजनल चीजें देखते हैं और फिर इस तरह की जो दूसरी डिफरेंट कंट्रीज है उनको देखते हैं और वो फिर अंदाजा लगाते हैं जी कि ये इसको इस तरह ये 40 पे चलेगा तो ये बिल्कुल ठीक है। ये दे डोंट नो व्हाट द पोटेंशियल इज, दे डोंट नो दैट ये बड़ी डिफरेंट कंट्री है। अब ये हमारे इंडियन ऑडियंस को पसंद नहीं आएंगी मेरी बातें, तो वो इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अब वो क्यों नहीं होता, क्यों हम 40 पे आके उधर रुक जाते हैं, हम क्यों इससे आगे नहीं जाते? मैं इस नतीजे पे मैं 1992 से मुशायदा कर रहा हूँ रजा, मुझे खुद समझ नहीं आती थी कि यार क्या मसला, क्या क्यों नहीं आगे जाते या क्यों हम एकदम ब्रेक लग जाते। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि द पावर्स टू बी जो इस मुल्क की ओवरऑल एक एस्टेब्लिशमेंट है वो या तो उनको खुद नहीं पता कि इसका पोटेंशियल कितना ज्यादा है, वो समझते हैं 40 है इसका पोटेंशियल इसलिए वो 40 पे आके बड़ी तालियां बजाने लगे, या फिर कोई पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो कहते हैं भाई बस अपना पर्सनल गेन्स है वो बचाओ और बस इसी पे रहने दो, ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बॉटम लाइन ये है रजा कि इसकी पोटेंशियल सिर्फ तब अचीव हो सकती है जब पाकिस्तान की पॉपुलेशन पीछे आके एक ऐसी गवर्नमेंट के खड़ी हो जो कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो। अगेन हम किसी पार्टी के सपोर्ट नहीं करते भाई, जो लेकिन लोगों को डिसाइड करने दें ताकि आपके पास पीपल्स पावर आए, वो आएगी तो ये पोटेंशियल पे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, पीपल्स पावर बिल्कुल एक एलिमेंट है, आई एग्री विद यू, मगर उसके साथ एक और भी बात है हारून भाई, वो मैं आप ही की बात दोहराऊंगा और वो है सर्जरी की, ठीक है ना जी। सर्जरी के बगैर इसकी पाकिस्तान की रियासी ढांचे सिविल सर्विस की तरतीबे नौ, और वो भी जो आप ये FBR की और टैक्स अथॉरिटी की जो बात करें ना, मेरा ये नजरिया बन चुका है एक्चुअली सिविल सर्विस के बारे में भी कि ये रिफॉर्म शॉर्म जो है ना ये नहीं होने वाला, आपको ये ढांचा गिरा के एक नई तमीर करनी पड़ेगी। जैसा बोलते ना पुराने घर जो है उनको कभी कभी बिल्डिंग्स को गिराना पड़ता है, पहले आप कोशिश करते हैं उनको पोचा पाची कर लें, फिक्स कर दें, ये कर दें, पेंट करा लें, ये अब उस काबिल नहीं रहा ये ढांचा। बहरहाल हमारा वक्त शो का निकले जा रहा है, तो आते हैं बहुत बड़ी और संगीन डेवलपमेंट जो है मशरिक वस्ता में जो हुई, और वो हसन नसरल्ला हिजबुल्ला के लीडर को इसराइल ने जो है वो मार दिया, उससे पहले मतवातिर लबनान पे बमबारी, 2 लाख से जायद लोग बेघर, 700-800 लोग हलाक हो चुके हैं, आम सिविलियंस, पहले गजा में ये खून की होली खेली गई अब ये लबनान में हो रहा है, और अब यहाँ पे तो ईरान, पहले तो ईरान ने कुछ रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, अब यहाँ पे तो ईरान का बड़ा गहरा ताल्लुक था हिजबुल्ला से, तो अभी जो खदशात हैं वो ये कि अगर ईरान कूद पड़ता है इस जंग में और फिर ये एक और ये कॉन्फ्लिक्ट फैल ना जाए ये जंग जो है, और वर्ल्ड कम्युनिटी जो है UN इंटरनेशनल स्पेशली द US वो भी इंटरवीन नहीं कर रहे कि जंग बंदी हो, कोई इसराइल को कोई होश आए, तो ये सूरत हाल किधर जा रही है, इसके ऊपर एक क्विक कॉमेंट दीजिए और फिर हम उसको जरा लिंक करेंगे पाकिस्तान के, भी देखेंगे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं इस पर। जी देखिए मैंने तो इस पर बड़ा लंबा एक आर्टिकल भी लिखा, वो फ्राइडे टाइम्स में भी छपा, इधर नेशन में भी छपा। देखिए ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, अब मतलब हम अपने चंद मिनटों में, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, इट्स अ बिगर गेम। देखिए इसराइल के अंदर मसला ये है कि नेतन्याहू जो है वो उसको
अपने उसको करप्शन के ऊपर और मिस यूज ऑफ पावर के ऊपर उसके ऊपर केसेस हुए हैं, और वो जैसे ही प्राइम मिनिस्टरशिप से निकलता है तो वो सीधा जेल में जाएगा। सो नेतन्याहू के लिए हर तरह से ये जरूरी है कि वो पावर में रहे। उस पावर को लेने के लिए उसने क्या किया है कि एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी के साथ उसने अलायंस किया हुआ। उस एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी में दो बंदे हैं तो सारी दिमागी तवाज़ुन का ठीक नहीं है, लेकिन दो बंदे मैं आपको बताता हूँ। एक का नाम है बेजलेल स्मोटरिच, वो इसराइल का सबसे फाइनेंस मिनिस्टर है, और दूसरे का नाम है इतमार बेन गवीर, नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर। अच्छा, इन दोनों के ऊपर पर्चे हुए हैं, ये डिक्लेयर्ड यानी कि ये सजा शुदा लोग हैं इसराइल के अंदर टेररिज्म चार्जेस के ऊपर, वो इस वक्त मिनिस्टर हैं एक फाइनेंस का। इनकी पार्टी का गोल ये है कि भाई ये पैलेस्टीनियन वगैरह जो है, हम तो 3000 साल पहले से यहाँ पे आए हुए हैं, ये हमारी जमीन है, इनको निकालो यहाँ से, जीरो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है जी, इन्होंने नेतन्याहू को बताया कि भाई अगर तुमने एक इंच भी दिया ना तो हम कोलिशन तोड़ देंगे और तुम सीधा जेल में जाओगे। सो नेतन्याहू इनके थ्रू काबू में आए हुए, उनके एक तो ये बात समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि इसराइल के अपने अंदर जो है वो बहुत डिविजन है, और उसका अपना जो डिफेंस मिनिस्टर है उसकी पार्टी का है योएव गलांट, उसने पहले भी रिजाइन किया था, फिर ये वॉर के बाद उसको ले आया, हमास के बाद ले आया वापस, अभी फिर बातें हो रही हैं कि योएव गलांट को निकाल देगा क्योंकि वो बार बार कहता है कि जी ये इसके पास तो प्लान ही कोई नहीं है, और उसको रिप्लेस करेगा गिडियन सार्स के साथ जो न्यू होप पार्टी है। ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें बताना, राइट, कि उसके अंदर कितनी इस वक्त चल रही है इसराइल के अंदर। ठीक, इसके साथ आप देखें कि नफ्ताली बेनेट जो है, जो कि एक जमाने में कुछ साल पहले इसका कोलिशन पार्टनर था नेतन्याहू का, उसने पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले ली, लेकिन अब वो वापस आ गए कि भाई ये तो बुरा हाल है, इसराइल का कोई फ्यूचर नहीं है, तो इलेक्शंस अगर कल होते हैं या आज होते हैं तो नफ्ताली बेनेट स्वीप कर जाए। ये हो गई सारी एक ओवर। अब इसको पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए आप देखें, ये सिचुएशन ये है कि इसराइल की यूएस ब्रोकर्ड सऊदी अरब और चंद और इस्लामिक ममालिक के साथ एक अलायंस होने जा रहा था। अब अलायंस जो है वो किसके खिलाफ था, वो था जनाब ईरान और उसके एलाइज जो कि क्या हैं, हमास, हुतीस, हिजबुल्ला, सीरिया के अंदर एलवाइट्स एंड इराकी मिलिशिया। ये ईरान ने अपना एक अलायंस बनाया हुआ है इसराइल को इनसर्कल करने के लिए, और वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। गोल ये है कि ये फ्रंट लाइन है, इरानियंस को कुछ ना हो और ये फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ते रहे। इसराइल अमेरिका ब्रोकर करा था इसराइल का एक अलायंस जो कि सऊदी अरेबिया, उसके अंदर यूएई है, उसके अंदर इजिप्ट है, उसके अंदर मोरक्को वगैरह, इनका एक अलायंस बना रहा था जो कि इस अलायंस के अगेंस्ट बजाय इसराइल अकेला खड़ा हो वो इस अलायंस के अगेंस्ट आ गए। अब 7 अक्टूबर जो पिछले साल हुआ है हमास ने किया है, उससे ये सारा प्रॉब्लम, ये सारे जो था प्लान, ये स्टॉप हो गया। सही, अब जो सिचुएशन है वो ये है कि अब इसराइल में एक तरफ आप देखें कि नेतन्याहू के पास वो और कोई ऑप्शन नहीं है बट टू कंटिन्यू द वॉर, क्योंकि जैसे ही वॉर वो खत्म होती है इलेक्शंस होंगे और ये हार जाएगा सीधा जेल जाएगा, इसलिए ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू। दूसरी तरफ ये है कि उसे पता है कि भाई मौदा हो ना हो, लेकिन ये सऊदी अरेबिया, यूएई, मोरक्को, इजिप्ट वगैरह हमारे साथ खड़े, इनका भी दुश्मन ईरान है, इसलिए उन्होंने वो जिसे अप दी आंटे कर दिया है। सो वो दे आर गोइंग फुल फ्लो फुल अहेड, उनकी पूरी कोशिश है कि ईरान बीच में इन्वॉल्व हो जाए, ईरान की पूरी कोशिश है कि वो इन्वॉल्व ना हो। सो इट्स अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स गोइंग ऑन, इसराइल इसका पूरा फायदा उठा रहा है और वो तहस नहस कर रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता, वो फिर कभी को प्रोग्राम करेंगे कि क्या ये स्मोटरिच वगैरह जो हैं ये लोग क्या कर रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर जाके, बस्तियों की बस्तियां बुलडोजर आके वो उड़ा देते हैं, मतलब इस बहुत बुरा हाल। मगर ये बिल्कुल, थैंक यू, बहुत सारी चीजें आपने इसराइल की वो जो है ये बताई, और एक्चुअली आई वाज आल्सो थिंकिंग के ये तो एस्केलेशन अब सीरियस हो सकती है, क्योंकि दुनिया भर में कमेंटेटर्स यही कह रहे हैं कि ये मामला तो सबके हाथ से निकल सकता है। देखिए, दुनिया आलमी जंगें जो हैं 20वीं सदी में वो इसी तरह छड़ी, एक दो वाकयात हुए उनके
तो अभी इसमें इसको कंटेन करने के लिए जाहिर बात है मगरबी जो कुवतें हैं यूएन में जिनकी सिक्योरिटी काउंसिल में ज्यादा दारी भी है, यूके और यूएसए और फ्रांस स्पेशली, अब उनका रोल है कि वो उसको कंटेन करें। मतलब इन्होंने तो बिल्कुल जिसे कहते हैं इसराइल को वो खुली छोटी दी हुई है कि आप जो मर्जी कर लो। क्या आप समझते हैं कि वो उस पर करेंगे एक्ट? क्योंकि देखिए ये तो फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक जो क्या कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी एक चैलेंज बन सकता है ये, अगर ये जंग का दायरा कार मजीद बढ़ता है तो। वो फिर यूनाइटेड नेशंस की खैर तो बात ना ही करें तो बेहतर है, वो तो उसने क्या करना है। बट अगेन फिर लंबी हो जाएगी बात। देखिए इट्स अ बिगर गेम। इस वक्त डेमोक्रेट्स की हुकूमत है यहाँ पे, उनके 2 महीने आखिरी रह गए, बल्कि 2 महीने से भी कम, 1.5 महीना रह गया। और अगर तो ट्रंप जीत जाता है, अभी तो वो नेक टू नेक जा रहे हैं दोनों, अगर ट्रंप जीत जाता है तो उसका एक गोल ये कि सारी जंगें वो बंद करा देगा। सो ये 1.5 महीना है इसराइल के पास, जो करना है उन्होंने कर लेना है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि वो रशिया के ऊपर पूरा प्रेशर डालना चाह रहे हैं। आपको पता है यूक्रेन जो है वो अमेरिका से कह रहा है कि जी हमें इजाजत दें कि हम आपके जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो रशिया में दूर तक, रशिया के इनर जो है बॉडी उसके अंदर जाके हम दागें, और अमेरिका वो करने नहीं दे रहा क्योंकि उससे वो पुतिन ने कहा है कि भाई मैं अपने न्यूक्लियर हथियार चला दूंगा अगर आपने इस किस्म की हरकत की। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन, इट इज नॉट, ये सारा कुछ जो है ना रशिया चाइना ये एक बैलेंसिंग गेम हो रही है। अमेरिका थ्रू इसराइल पूरी कोशिश कर रहा है एंड थ्रू यूक्रेन पूरी कोशिश कर रहा है कि रशिया को कॉर्नर कर दे, रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सारी कंट्रीज जो है उनका प्रेशर ले। तो ये अब गेम चल रही है, अभी 1.5 महीना तो मैं समझता हूँ इसी तरह चलेगा। ईरान पूरी कोशिश कर रहा है कि बाहर रहे क्योंकि ईरान को भी पता है कि इस्लामी वर्ल्ड के अंदर वो तो कॉर्नर्ड है, वो तो बाकी सारे जो इस्लामी मुल्क हैं वो तो इसराइल के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं। सो मेरे ख्याल से लेट्स होप इट डजंट गेट आउट ऑफ हैंड। जी बिल्कुल, लेट्स होप सो। और क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भी इसके बहुत संगीन असरात मरतब होंगे। देखिए ना, ईरान पाकिस्तान, एक तो ईरान पाकिस्तान की जो जोग्राफिया है, ऊपर से तेल की कीमतें हैं जहाँ पे हमारा तो भट्टा बैठ जाता है, $2 भी ऊपर जाए तो वो पूरी इकोनॉमी के ऊपर। तेल नहीं होगा उसमें, और बड़े रीजंस हैं। तेल फिलहाल तो ठीक रहेगा क्योंकि अमेरिका बहुत पंप कर रहा है, रशिया बहुत पंप कर रहा है। आपको पता है वो गयाना में बहुत तेल निकल आया हुआ है, सो उसका कोई मसला मैं नहीं समझता हूँ लॉन्ग टर्म तेल का कोई इशू है। और वो जो होता है हुतीस के अटैक्स वगैरह होते हैं वो भी उन्होंने रिस्क जो है प्रीमियम अपनी तेल की उसमें परमानेंटली फिक्स कर दिया, तो मैं नहीं समझता कोई होगा। पाकिस्तान का जो है वो अगेन पॉइंट इज, मैं उसी पे आता हूँ जो मैंने आर्टिकल में भी आर्ग्यू किया है कि सीधी सी बात है जनाब के क्या पाकिस्तान उस अलायंस का हिस्सा बनेगा जो अलायंस सऊदी अरेबिया लेड अलायंस जो इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है, क्या पाकिस्तान उसका हिस्सा बन पाएगा? क्योंकि हम लोगों की तो, हमने तो बचपन में देखी है एक चीज है कि भाई इसराइलियों ने जो जुल्म और इंतहा किया है और फलस्तीनियों के साथ किया है, ये कौम कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? लेकिन अगर पाकिस्तान को कोई ऐसी डील दे दी जाए कि कर्जे माफ और न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप का मेंबर बना दें और 2 स्टेट का वादा कर दें, फलस्तीनी स्टेट का वादा कर दें और सऊदी अरब वगैरह सारे अरबी ममालिक एक्सेप्ट कर लें, तो फिर क्या पाकिस्तान ना कर सकेगा? ये एक क्वेश्चन है जो मैं समझता हूँ ये वक्त ही बताएगा। लेकिन कम अज कम पाकिस्तानी जो है और पाकिस्तान का पब्लिक ओपिनियन वो नहीं मानने वाला, चाहे जो भी कर दे अशराफिया, अवाम के लेवल के ऊपर ये नहीं जाएगा। बहरहाल हारून भाई, हमारे शो का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। नाजरीन, आपकी देखने का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दबाएं, उससे ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। अपने कमेंट्स भी दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। खुदा हाफिज़।